हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो हम आए हैं आज ट्रैम्पोलिन पार्क में, और मेरा ना काफ़ी टाइम से ड्रीम था कि मुझे ट्रैम्पोलिन पार्क जाना है और मेरी बहन को भी जाना था। तो हमने फाइनली प्लान बना लिया और हम आ गए हैं यहाँ प्लूटोज वर्ल्ड में। ये ना मुरथल हवेली में सोनीपत, लोकेशन ना मैं नीचे मैंशन कर दूँगी अगर आपने ज़्यादा इंक्वायरी लेनी हो तो, मतलब यहाँ आना हो तो। और यहाँ देखो, इसका नाम ना प्लूटोज था और यहाँ पे दो स्पेसमैन थे। और यहाँ पे अगर आप अंदर आते हो तो आपको एंट्रेंस में कुछ ऐसा सा व्यू मिलता है, और पूरा न्यून लाइट लगी हुई थी यहाँ पे। और यहाँ के प्राइस ना बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब आपकी एक टाइम की सैलरी उड़ जाएगी, इतने एक्सपेंसिव होते हैं। बहुत पैसा है मेरे पास, तिजोरियां भर रही है, इतना पैसा है कि यहाँ पे अगर आप बहुत सारे लोग आते हैं तो आपको ना एक कार्ड बनवाना पड़ता है, मतलब और पर पर्सन की लिमिट 750 की होती है, मतलब आपके 3000-4000 लग जाएंगे। और उसके बाद अगर आप दूसरे, मतलब किड्स जोन में कोई गेम खेलते हैं तो आपको फिर से रिचार्ज कराना पड़ेगा कार्ड। और उसके बाद ना यहाँ पे आपको एक सॉक्स का पेयर दिया जाता है, मतलब स्पेशल सॉक्स होती हैं, ये आप ना अपने घर लेके जा सकते हो, आपसे जाते हैं, नेक्स्ट टाइम आप आओ तो आपको लेनी नहीं पड़ेगी। और ये कार्ड था हमारा, और हम ना बहुत सारे लोग थे तो हमारा मोटा सा बिल बन गया था। उसके बाद ना हमें ये सॉक्स मिली, ये प्लूटोज लिखा हुआ था उस पर। और ये यहाँ का मैं आपको एक बार पूरा व्यू दिखाती हूँ, ये ना बच्चों के लिए था और उस लेफ्ट साइड में मतलब बड़ों के लिए था। वैसे तो कोई वो नहीं था, बच्चे बड़े सब एक दूसरे के वहाँ पर घुसे हुए थे, मम्मी पापा साथ आते हैं तो ओबियसली वो भी इंजॉय करते हैं। और उसके बाद ना ये मेरी बहन देखो, पता नहीं इन भाई सबको पका रही है, क्या ही पूछ रही है। और उसके बाद हमने सॉक्स पहनी अपनी, और फिर हम आ गए यहाँ पे अपनी राइड लेने। और ये हाथ पे ना बैंड सा लगा देते हैं एक। और यहाँ पे देखो, अभी ना यहाँ पे ट्रेनर नहीं था, मतलब ट्रेनर एक ही था तो वही सब करा रहा था। और अभी सबसे पहले ना हम ही आ गए, हम जल्दी आ गए थे, वैसे संडे को भीड़ होती है तो हम दोपहर से पहले आ गए थे। और ये देखो यहाँ पे मेरी बहन, पता नहीं ये क्या कर रही है, ये अपने आप ही घूमी जा रही है यहाँ पे, क्योंकि ट्रेनर तो था नहीं। इतने ट्रेनर, मतलब ट्रेनर को बुलाया तो बोलता है कि मैं थोड़ी देर में आऊँगा, ये खुद ही पागल हो जा रही है। उसके बाद फाइनली ट्रेनर आया और उसने ना ये वाली मशीन स्टार्ट की, मतलब रोलर कोस्टर स्टार्ट किया। और ये देखो यहाँ पे, तो भाई पहले तो समझ नहीं आया इसको करना कैसे है, फिर ये अंदर घुस गई और इस रोलर कोस्टर ने इसको दूर वाला उठा उठा के पटक रहा था, और इतना मज़ा आ रहा था। देखो फाइनली समझ आया कि ना इसको, ओ भाई सब इसको इतने ज़ोर से लगी यहाँ पे देखो। मुझे अपने घर जाना है। और उसके बाद मैंने भी ट्राई किया, और पहले तो मुझे भी मतलब थोड़ा सा अजीब लगा, एकदम से घुस के स्टार्ट हो जाता है, आपको मतलब माइंड सेट करना पड़ता है, थोड़ी देर बाद आपको समझ आ जाता है कि कैसे चल रहा है। और फिर मुझे तो समझ आ गया कि इसके नीचे बैठना है, जहाँ से ये ऊँचा होता है और जहाँ से मतलब नीचा होता है वहाँ से जंप करना होता है, तो इसको करके तो मज़ा ही आ गया। उसके बाद हम गए नेक्स्ट में और यहाँ से जंप किया मैंने, और जंप करके क्या मज़ा आता है। और यहाँ से हमने खूब सारी मस्ती की इस वाले में। और यहाँ पे ना देखो, ये मुझे मार रही है, मैं इसको मार रही थी, और ये तो हम घर में रोज ही करते हैं। और उसके बाद ये वाला गेम ना थोड़ा सा वियर्ड था, इसमें आपको अपनी शेप बनानी होती है, मुझे बहुत गंदा लगा ये वाला। उसके बाद हमने बास्केटबॉल वाले, इसमें जंप किया, और इसमें आपको जंप करना होता है, और सबसे ऊँचा जंप कौन लगाता है, हमारा कंपटीशन चल रहा था और हम ही गिर गए। और उसके बाद यहाँ पे मेरी बहन ना बॉल डालने की कोशिश कर रही है, देखो इसको आप में बॉल डालनी होती है आपको बास्केटबॉल। उसके बाद हम ना इस ग्रेट वॉल पर चढ़े, और एक ग्रेट वॉल थी जो चाइना की दीवार से भी छोटी थी। काश मैंने बचपन में ना कॉम्प्लेंट भी होता, पर मैं चढ़ गई थी, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद ये देखो, ये मेरे साथ जो आए थे वो चढ़ रहे हैं, और ये तो चढ़ गई, और इसकी ना एक फ्रेंड थी वो फंस गई, देखना अभी वो फंस जाएगी। और ये ना तो नीचे आ रही थी ना ऊपर जा रही थी, चिपक गई दीवार के साथ स्पाइडरमैन की तरह। और फिर मेरी बहन ने ना उसको नीचे उतारा, ये देखो फनी मूव। उसके बाद हमने ना ये वाला ट्राई किया, इसमें आपको बेल्ट पहना देते हैं, मतलब उसके बाद आपको इन पे चढ़ना होता है और फिर वहां से जंप लगाना होता है। और पहले तो ये डर रही थी, ये बोल रही मुझे डर लग रहा है, सुनो जरा। सो
वहाँ पे ना शोर बहुत होता है, तो मैं ना वॉइस ओवर कर रही हूँ, और उसके बाद ना इसने यहाँ से जंप किया और ये वाला, उसके बाद ना हमने ये वाला ट्राई किया और ये वाला ना सबसे खतरनाक था यहाँ का। इसमें आप ऊपर से फेंक देते हैं और आप सीधा नीचे आते हो और आपका ना जैसे गिराया जाता, और ये बच्चा ना फंस गया बीच में, जाके सीधा खड़ा हो गया। ये इतना फनी मोमेंट था। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ये बात कईयों से हो रहा था, कईयों से नहीं हो रहा था, तो मेरी बहन ने भी सी स्टंट ट्राई किया। पहले तो मना करी थी और फिर इसमें घुस गई। देखो पहले तो ये सीधी गई फिर उल्टी गई, इसने कई बार किया। ये वाला भी सही था और उसके लिए हमने रील भी बनाई थी काफी सारी। उसके बाद ना यहाँ पे एक ह्यूमन गैजेट था जिसमें आपको उल्टा लटका दिया जाता है, और ये लेज था, लेज के पैकेट थे जो आपको उठाने होते हैं। ये देखो बच्चा कितना चला के, इसको फ्री में मिल गया बिना कुछ ट्राई किए। और हमें बोल रहे थे कि वो आपको ना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इसके लिए, मतलब रिचार्ज कराना पड़ेगा, आपकी लिमिट खत्म हो गई है। उसके बाद हमने यहाँ पे हम ना फिर से आ गए और हमने ये मस्ती की कि हमारा थोड़ा सा टाइम बच गया था, और इस बच्चे ने ना मुझे मार मार के चटनी बना दी मेरी। और उसके बाद हम ना किड्स जोन में गए नीचे, जहाँ पे किड्स वाली गेम थी, और यहाँ पे भी फिर हमने ना अपना कार्ड दोबारा से रिचार्ज कराया क्योंकि हमें अभी और मस्ती करनी थी, हमारा मन नहीं भरा था। सो हमने नीचे आए और यहाँ पे ना सिर्फ नाम की बच्चों की किड्स जोन था, सारी बड़े वाली गेम्स ही थी। और ये देखो ये वाली बच्चों के लिए थी, बस बबल शूटर, इसमें से ना पानी निकलता है बच्चे वो। और यहाँ पे देखो बड़े बड़े सब इंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पे अभी बुक था, तो हम इसके बाद ट्राई करेंगे। इतने मैं आपको ना दूसरी दिखाती हूँ। सो यहाँ पे ये देखो आप ना बच्चे खेल रहे थे, और इसमें से ना पानी सा निकलता है कुछ, और पानी से आप फिशेस को मार सकते हो, और वो पानी ना वापस इसमें नीचे जाता है। सो पानी वापस से मतलब यूटिलाइज हो रहा था, और उसके बाद हमारा नंबर आया, फाइनली यहाँ पे खाली हो गया। और सबसे पहले यहाँ पे मेरी बहन खेलेगी, सो बोलती कि मैं खेलूँगी। और ये देखो ये लगी हुई है मैडम, और इसने यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया, हम सब ने भी इन्जॉय किया। और उसके बाद हम यहाँ पे लोग ना क्रिकेट भी खेल रहे थे, जो आपको कुछ मतलब एक दो राउंड मिलते हैं या कुछ हिसाब होता होगा। उसके बाद यहाँ पे ना मेरी बहन को मैंने कहा आज टैडी वैलेंटाइन डे है तो मुझे टैडी दिला दे। देखो क्या कह रही है, टैडी ले दो मुझे, अब बोल लो जो पहले बोल रही थी। ये भगवान क्या जुलूम है। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी, बाय।